बहुत बुलंद है सितारा इमामे जाफर का। इसलिए सारे पर तवज्जो चाहता हूँ जो लगा करके सुभान अल्लाह। बहुत बुलंद है हुसैन पाक है दादा इमाम जाफर का। हुसैन पाक है दादा इमाम जाफर का। हुसैन पाक है दादा इमाम जाफर का। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। पहले का एक दौर था कि बड़े बुजुर्ग हजरात एक या दो रुपए से नवाजा करते थे, लेकिन आज बड़ी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं कि 10 से कम कोई देने को तैयार नहीं। अल्लाह ताला उनको बरकतें अता फरमाए, हमारे बुजुर्गों की उम्र में बरकतें अता फरमाए और इनका साया दराज फरमाए। बहुत बुलंद है सितारा इमामे जाफर का। शेर है ये। इस तारीखी शेर को पढ़ने से पहले मैं तारीख का हवाला दूं और बताऊं कुछ बात कि हजरत इमाम जाफर सादिक के जो घर में जो आपकी बीवी थी उनका नाम है हजरत फरवा। क्या नाम? ये तारीख की बातें तो हमें याद भी रखनी चाहिए हम अहले सुन्नत को। क्या हजरत फरवा और ये बेटी हैं हजरत कासिम की, और हजरत कासिम बेटे हैं हजरत मोहम्मद के, और हजरत मोहम्मद जो बेटे हैं वो हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, और हजरत इमाम जाफर सादिक जो हैं वो बेटे हैं हजरत इमाम मोहम्मद बाकर के, वो बेटे हैं हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, वो बेटे हैं हजरत सैयदुल शोहदा इमाम हुसैन के, और वो बेटे हैं मौला अली शेर खुदा के। तो ये अजीब और गरीब बात है कि जितने भी दुनिया में सादात इकराम हैं उनके दादा मौला अली शेर खुदा हैं और नाना हजरत सिद्दीक अकबर हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाना कौन है? हजरत सिद्दीक अकबर हैं और दादा इमाम हुसैन हैं मौला अली। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए तारीख की शेर मुलाहिदा करें कि लगा करके या रसूल अल्लाह। बहुत बुलंद है सितारा इमाम जाफर का, नवासाए शाह सिद्दीक का शरफ है तुम्हें, नवासाए शरफ है तुम्हें, नवासाए नवासाए शाह सिद्दीक का शरफ है तुम्हें, है यार गार रिश्ता इमाम जाफर का, है यार वारिस रिश्ता इमाम जाफर का। और जो आपकी कूनों की नियाज दिलाया करता है उसके लिए शेर मुलाहिदा करें। बड़े खुश किस्मत है, बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जो हजरत इमाम जाफर सादिक की नियाज दिलाया करते हैं। शायर कहता है कि वो खुश नसीब है जो करते हैं नियाज तेरी। हालांकि 22 तारीख ना तो आपकी पैदाइश का दिन है ना ही आपकी विसाल का दिन है। आपकी पैदाइश 17 रबीउल अव्वल को 83 हिजरी में हुई। कितनी? 17 रबीउल अव्वल गालिबन 83 हिजरी में, और आपकी 68 साल की उम्र में वफात हुई
15 रजम में, कितने 15 रजम में आपका विसाल हुआ। तो ये हैं हजरत इमाम जाफर सादिक। तो 22 को ना आपका विसाल, ना आपकी पैदाइश, फिर क्यों करते हैं 22 को? तो उलमा के जबान से मैंने सुना, वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने 22 रजब को मौला अली के इस्लाम को, इमाम जाफर सादिक को अल्लाह ताला ने गौसियते कुबरा के मकाम से नवाजा था, उसकी खुशी में खुद हजरत इमाम जाफर सादिक ने नियाज दिलाई थी, इसलिए उनके चाहने वाले निकलने लगे। तो वो खुश नसीब है जो करते हैं नियाज तेरी, वो खुश नसीब है जमाना पाता है सदका इमाम जाफर का, जमाना पाता है सदका इमाम जाफर का, जिसको लोग यहाँ करने वालों के सदके में मिला है। तत्व देखिए सुभान अल्लाह। और इमामों के इमाम हजरत नौमान बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नौमान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम आज़म अबू हनीफा के जिनके मसलक के दुनिया में सबसे ज्यादा पैरोकार हैं, वो फरमाते हैं अगर मुझे इमाम जाफर सादिक की संगत के, आपकी सोबत के 2 साल न मिलते तो नौमान बिन साबित हलाक हो जाता। तो आपकी इमामत में और आपकी शान में चांद चांद लग जाते हैं, कब? जब हजरत इमाम जाफर सादिक की गुलामी में आ जाते हैं। शान लिखने कहा है कि अबू हनीफा की अजमत भी बढ़ गई उस दम में, अबू हनीफा की अजमत भी बढ़ गई उस दम में, अबू हनीफा की, अबू हनीफा की अजमत भी बढ़ गई उस दम के जब वो बनी गया बेटा इमाम जाफर का, के वो जब वो बनी गया बेटा इमाम जाफर का।